फ्रेंड्स वेलकम टू कुकिंग विद गिरजा। आज हम बनाएंगे पास्ता इन व्हाइट सॉस। चलिए देखते हैं। आज हम बनाने वाले हैं पास्ता इन व्हाइट सॉस। सबसे पहले पैन में हम बटर डालेंगे, बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर जो है मेल्ट हो गया है, इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम। इसे थोड़ी देर सोते कर लेंगे। फ्लेम सिम पे रखिए। कैप्सिकम के साथ आप लोग और भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कैरेट। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। अच्छे से फ्राई होने देंगे मैदे को। थोड़ा सा और डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे फ्राई होने दीजिए। सिम पे रख के फ्राई कीजिए, क्योंकि मैदे का कलर हमको चेंज नहीं करने हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध। चलाते रहिए और कुक होने देते हैं इसे। थोड़ा दूध और ऐड करेंगे। इसे कुक होने देते हैं। इसमें ऐड कर देंगे चीज। आप कोई भी चीज ले सकते हैं। चीज इसमें मेल्ट हो जाएगी। आप पहले व्हाइट सॉस को रेडी करके भी पास्ता बना सकते हैं व्हाइट सॉस में। यहाँ पर मैं ऐसे बना रही हूँ। व्हाइट सॉस की रेसिपी आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं जाके। ये देखिए मेल्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। इसे कुक होने देते हैं। चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है इसमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। पास्ता बॉईल करते समय हमने सॉल्ट ऐड किया था। पास्ते को बॉईल करते समय सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको बॉईल किया था, तो सॉल्ट देखकर ही डालिए। अब इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। थोड़े से चिली फ्लेक्स। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेडी हो गया है। अब इसमें पास्ता डालेंगे हम लोग। पास्ता ऐड कर दिया हमने इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक मिनट इस तरह कुक होने देंगे। अगर आपको थिक लग रहा है ये ज्यादा, तो इसमें और मिल्क ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से रेडी हो गया है पास्ता इन व्हाइट सॉस। इसे हम सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पास्ता इन व्हाइट सॉस कैसे बनाते हैं। आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे अपने अनुभव बताइए कमेंट सेक्शन में।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।